दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में फिर नशे और रफ्तार का कहर देखने को मिला। नशे की हालत में तेज रफ्तार गाड़ी ने डिवाइडर पर सो रहे चार लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, वहीं तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतक की पहचान 23 वर्षीय आरिफ के तौर पर हुई है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 36 साल के आरोपी अभिषेक दत्त को गिरफ्तार किया है। यहाँ से गाड़ी आई थी, यहाँ चार पांच लड़के लेटे हुए थे, सब बैठे हुए थे, आराम से लेटे हुए थे बेचारे सब। वो गाड़ी वहाँ से चढ़ी एकदम ऊपर, आदमी बिल्कुल पिया हुआ धूत था, नशे में एकदम। उस आदमी ने पूरी एक ही साथ चार लोगों पे गाड़ी चढ़ाई, जिसमें से एक तो वहीं के वहीं दम तोड़ दिया उसने। पुलिस ने उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया है जिसे आरोपी अभिषेक चला रहा था। सूत्रों का कहना है कि आरोपी अभिषेक यूके के यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के साउथ ईस्ट एशिया जोन का कंट्री मैनेजर है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। नई दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ उज्जवल प्रियवीर की रिपोर्ट।